गुड मॉर्निंग, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं रोजाना की तरह एक पॉजिटिव थॉट के साथ। ये मत मानिए कि जीत ही सब कुछ है, महत्वपूर्ण ये है कि आप किस उद्देश्य के लिए जीतना चाहते हैं। चलिए इसी विचार के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपका आज का राशिफल। लेकिन सबसे पहले नजर पंचांग पर। आज 13 अगस्त 2024 मंगलवार का दिन है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। नक्षत्रों की बात की जाए तो आज विशाखा नक्षत्र है। राहु काल का समय दोपहर 3:44 से लेकर शाम 5:20 तक रहेगा। आज सूर्य कर्क राशि में विराजमान है। वहीं चंद्रमा की बात की जाए तो आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। चलिए इसी के साथ अब जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए आज दिन थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। आपको अपनी सेहत के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। आर्थिक रूप से आज आप काफी मजबूत नजर आएंगे। ग्रह नक्षत्रों की चाल से आज आपके लिए धन कमाने के कई मौके भी बनेंगे। साझेदारी में किसी नई परियोजना को शुरू करने के लिए भी आज मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा दिन है। इससे सभी को मुनाफा भी होगा। मगर आज बस आपको एक बात का ख्याल रखना है, समय की कदर करें तभी सफलता मिलेगी। वृषभ राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए आप में आज चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है। स्वास्थ्य आज पूरी तरह से आपका साथ देगा। जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे उन्हें आज धन प्राप्ति हो सकती है, जिससे कई परेशानियां हल हो जाएंगी। मगर कुछ मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। आज बिना सोचे समझे कुछ भी ना कहें, वरना आपके परिवार में सदस्यों के बीच ही किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। बिजनेस में आपको उतार चढ़ाव जो है उसका सामना करना पड़ सकता है, जो थोड़ी बहुत परेशानी आपके जीवन में ला सकता है। मिथुन राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। बस आपको किसी की कही सुनी बातों में आने से बचना होगा। आपको माता पिता के आशीर्वाद से किसी नई नौकरी के प्रति जो है सफलता मिल सकती है। कामकाज के सिलसिले में यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। किसी पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। विवाद जो है वो खत्म हो सकता है। कारोबारियों की बात करें तो आज उनके लिए भी दिन अच्छा है, मुनाफा होने के योग हैं। कर्क राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज किसी पार्टी या फिर समारोह में खूब पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आर्थिक जो स्थिति है, आर्थिक जो पक्ष है वो आज मजबूत रहेगा। यानी कि आप दिल खोलकर पैसे खर्च कीजिए। घर पर मेहमानों का आना जाना दिन को और ज़्यादा बढ़िया बना देगा। किसी दिलचस्प इंसान से मिलने की भी प्रबल संभावना है। आज इस राशि की महिलाओं की अगर हम बात करें तो उन्हें काम के कई नए मौके मिल सकते हैं। आपको किसी काम को लेकर अनुभवी व्यक्तियों से सलाह मशवरा करना भी पड़ सकता है। किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है, जो आने वाले समय में आपको खूब लाभ देगी। सिंह राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज आर्थिक लाभ होने की संभावना नजर आ रही है। इससे आपको काफी खुशी मिलेगी। आज आप दफ्तर में माहौल में जो है एक कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। आपको कुछ सुधार भी देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंध और मधुर होने की संभावना है। मगर व्यवसाय के नजरिए से अगर आपका दिन देखा जाए तो थोड़ा सा नुकसानदायक रह सकता है। किसी काम को लेकर आपको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज वाहन प्रयोग में भी आपको सावधानी बरतनी होगी। पुरानी गलतियों से सबक लीजिए और आगे बढ़िए। कन्या राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को दोगुना कर देगा। आर्थिक सेहत बिगड़ सकती है, मगर अतीत में किया गया काम आज परिणाम और पुरस्कार दोनों आपके लिए अच्छे लेकर आएगा। अगर आप लंबे समय से खुद को समय नहीं दे पा रहे थे तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। परिवार में आपको किसी के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है, मगर किसी काम को लेकर आज भागदौड़ अधिक करनी पड़ेगी, इसलिए सुबह से ही तैयार रहें।
तुला राशि के लोगों के बारे में बात करें तो देखिए, अपनी शारीरिक चुस्ती फुर्ती को बनाए रखने के लिए आज आप जो है अपना दिन खेलने कूदने में व्यतीत कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा वक्त और पैसा मनोरंजन पर खर्च करने से आज बचिएगा। अचानक आई जिम्मेदारी आपके दिन की योजनाओं में बाधा डाल सकती है। प्रतिस्पर्धा के चलते कामकाज की अधिकता थकावट भरी हो सकती है। तरक्की की राह में हालांकि अगर कोई बाधा आ रही थी तो वो दूर होगी, मगर आज आप किसी निवेश को करने से पहले प्लानिंग अवश्य कर ले। वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में बात करें तो देखिए, आज का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। पिता की कोई बात आपको बुरी लग सकती है। पार्टनरशिप के व्यवसाय में भी सतर्क रहने की जरूरत है। धोखा मिलने की संभावना बन रही है। किसी काम को लेकर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस राशि के विवाहित जातकों की अगर हम बात करें तो आज आपको ससुराल पक्ष से धन लाभ होने की संभावना है। लोगों के साथ ठीक तरह से आज पेश आए, खास तौर पर उनके साथ जो आपसे प्रेम करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। अगर आप अपनी वाणी में तल्खी लाएंगे तो कहीं ना कहीं रिश्ते खराब हो सकते हैं। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। पैसे कमाने के नए मौके मुनाफा भी देंगे। निजी मसले नियंत्रण में रहेंगे। यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हो सकती है। आज किसी से मांग कर वाहन ना चलाएं, नहीं तो दुर्घटना की संभावना बन रही है। नौकरी की तलाश में जो युवा लगे हुए हैं उन्हें कोई खुशखबरी मिल सकती है। इस राशि के जातकों को किसी गलती को लेकर आज पछताना पड़ सकता है, इसलिए कोई भी फैसला बहुत सोच विचार कर ही लें। परिजनों की किसी बात को लेकर भी हल्का तनाव हो सकता है। मकर राशि के लोगों के बारे में बात करें तो दिन आपके लिए किसी वाद विवाद से दूर रहने के लिए रहेगा। अपरिचित लोगों से दूरी बनाकर रखें। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं उन्हें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। व्यवसाय में आप किसी से कोई जरूरी जानकारी साझा ना करें, नहीं तो वो इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। दफ्तर की बात की जाए तो गलती को स्वीकार करना आज आपके पक्ष में जाएगा, लेकिन आपको इसे सुधारने के लिए विश्लेषण की जरूरत भी है। कुंभ राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो मिला जुला दिन रहेगा। आज धन आपके हाथ में नहीं टिकेगा। आपको धन संचय करने में आज मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अपने परिवार की भलाई के लिए मेहनत करें। करियर से जुड़े फैसले खुद करें तो इसका लाभ आपको लंबे समय तक मिलेगा। आप अपनी बुद्धि और विवेक से कार्यक्षेत्र में काफी कुछ पा सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश करें तो ये दिन आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी एक विशेष दिन साबित हो सकता है। मीन राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, दिन ठीक ठाक रहेगा। बस सोच विचार कर आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप किसी वाद विवाद में पड़े थे, इससे कार्य क्षेत्र में आपको कोई नुकसान उठाना पड़ रहा था, तो आज ये बाधाएं दूर होंगी। किसी परिजन से कोई वादा बहुत ही सोच विचार कर कीजिएगा। माता पिता को अनदेखा करना आपके लिए भविष्य की संभावनाओं को खत्म कर सकता है। अपने परिवार की भलाई के लिए आप मेहनत कीजिए। काम में आपकी दक्षता की आज परीक्षा हो सकती है। इच्छित परिणाम देने के लिए आपको अपनी कोशिशों पर एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है। तो ये था आज का राशिफल। कार्यक्रम के अंत में एक विचार। हमेशा एक बात याद रखें, अपनी नजर सिर्फ उसी चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इसी विचार के साथ इस कार्यक्रम में अभी आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। आशा करते हैं कि आपका आज का दिन मंगलमय होगा। नमस्कार।